नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। भले ही अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज कायम हो गया हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पहले पंजशीर में एनआरएफ के सैनिकों से सामना और अब आईएसआईएस खुरासन तालिबानियों के लिए एक बड़ा और नया सिरदर्द बन गया। सत्ता हथियाने के ठीक एक महीने बाद अब रॉकेटों से प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़ाकों को मिलने जा रहा है सेना का दर्जा। लेकिन विदेशों में अफगान राजदूत क्यों खौफजदा हैं? अफगानिस्तान में तालिबान राष्ट्र जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान हुकूमत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास कई रॉकेट दागे गए हैं। ये हमला खैरखाना में एक पावर प्लांट वाले इलाके को टारगेट कर किया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक गुरुवार रात 9 बजे हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसमें लोगों के घरों को नुकसान साफ नजर आ रहा है। हमला किसने और क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं है। अफगानिस्तान में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं तालिबान और आईएसआईएस के। अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे तालिबान को आईएसआईएस खुरासान से कड़ी चुनौती मिल रही है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस के अफगानिस्तान में हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। आईएसआईएस अपनी पहचान अफगानिस्तान के प्रमुख जिहादी गुट के रूप में बनाना चाहता है। तालिबान के लड़ाके जल्द सैनिक के रूप में नजर आ सकते हैं। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार जल्द ही अपनी औपचारिक सेना बनाने में जुटी है। कार्यवाहक सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन ने कहा कि वे एक औपचारिक सेना बनाने पर काम कर रहे हैं। तालिबान या अफगानिस्तान की नई सेना बनाने की योजना को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ भारत का साथ दे सकता है ईरान। तालिबानी कब्जे के बाद से ही उसके 6 पड़ोसियों में से एक ईरान काफी आशंकित है। ईरान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता भी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान को लेकर टकराव हुआ तो चीन पाक एक तरफ होंगे और भारत रूस तथा ईरान एक तरफ होंगे। लगता है तालिबान पर पूरी तरह से चीन मेहरबान है। अफगानिस्तान के मसले पर एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन करने जा रहा है चीन। चीन ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों की एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान लगातार अन्य देशों से अपील कर रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान को मान्यता देने में दुनिया को वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। यूसुफ ने कहा कि देरी होने पर यहां की अर्थव्यवस्था तो ध्वस्त होगी ही, आतंकवाद बेकाबू हो सकता है। अफगानी राजदूतों ने विश्व नेताओं से तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की है। 2 दर्जन से अधिक राजनयिकों ने पत्र पर दस्तखत कर ये बयान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान के राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और अन्य जगहों पर राजनयिक अपने मिशनों से काम कर रहे हैं। तालिबान के कंधार में अफगान निवासियों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। दक्षिणी शहर कंधार में लंबे समय से खाली पड़े सैन्य परिसर में रहने वाले गरीब अफगानियों का कहना है कि तालिबान के इस आदेश से वे तबाह हो गए हैं। आदेश के खिलाफ सैकड़ों अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब वे कहां जाएंगे, और ये भी कहा कि उन्होंने यहां बसने के लिए वर्षों पहले पूर्व अफगान सैनिकों को पैसे दिए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में अब वहाँ की महिलाएं भी आने लगी हैं। बड़ा खाशन प्रांत में महिलाओं ने मीटिंग की है। बैठक में तालिबान को समर्थन देने के लिए हर स्तर पर मुहिम चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में शामिल सभी महिलाएं बुरके में नजर आ रही थीं। आपको बता दें कि इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबान डरा धमका कर महिलाओं को इस तरह के समर्थन के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिकी सांसदों ने क्यों उठाया तालिबान का मुद्दा? अफगानिस्तान में क्यों है अल्पसंख्यकों और ऐतिहासिक इमारतों को खतरा? कैसे होगा उस जेल का मंजर जहां कैदी खुद जेलर बन जाएं? और अमेरिका में क्या कर रहे अफगानी बच्चे? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिका में तालिबान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। 4 सांसदों ने एक साथ मिलकर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखा है। इसमें अपील की गई है कि तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन करार दिया जाए। सांसदों ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ तालिबानी गतिविधियों से ये साफ हो गया है कि तालिबान अमेरिकियों और अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। तालिबान से वार्ता करने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि जलमे खलीलजादा ने अफगानिस्तान के इस हालात के लिए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। खलीलजादा ने कहा कि अगर राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक मुल्क छोड़कर ना भागे होते तो स्थिति कुछ और होती। बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे से ठीक पहले अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। तालिबान राज में बामियान पर फिर हमला हुआ है। प्राचीन बौद्ध मूर्तियों, कलाकृतियों को लूटा गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने खुदाई से मिली बुद्ध की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों को फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक गोदाम से लूट लिया है। ये टीम बामियान में खुदाई कर रही थी और वहां से निकलने वाली अनमोल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर रही थी।
तालिबान एक बार फिर अपने पुराने रंग रूप में वापस आ रहा है। बुद्ध की मूर्तियों के साथ अब तालिबान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने में जुटा है। ताज़ा तस्वीर में तालिबान के लड़ाके हेलमंद प्रांत में पुरातात्विक और ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएन अफगानिस्तान की समस्या का समाधान कर सकता है, ये एक महज कोरी कल्पना है। साथ ही यूएन के पास मध्यस्थता करने की क्षमता भी सीमित है। अफगानिस्तान में सूचना मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कामकाज संभाल लिया है। जबीउल्लाह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में जाकर औपचारिक रूप से कामकाज की जिम्मेदारी संभाली। मंत्री के साथ साथ जबीउल्लाह इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता भी हैं। काबुल की पुले चरखी जेल में तालिबान लड़ाकों ने दौरा किया, जो कभी यहां बंद थे। इन लड़ाकों ने जेल में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। आपको बता दें कि काबुल की जेल में अब कैदियों को ही जेलर बना दिया गया है। काबुल की पुले चरखी जेल अब खाली बियाबान पड़ी है। कभी यहां हजारों तालिबानी कैद थे, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान के कंधार में व्यापारियों और निवेशकों ने बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि देश और देश से बाहर जब्त अफगानी संपत्ति और करेंसी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। करेंसी के अभाव में देश में पहले से ही खाने पीने के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में अगर कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात प्रभावित हो रहा है। तस्वीर अमेरिका के न्यू मैक्सिको की है, जहां अफगानिस्तान से लाए बच्चों के साथ अमेरिकी सैनिक खाली समय में फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अफगानी माता पिता ने सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों के साथ अफगानिस्तान से अकेले ही विदा कर दिया था। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी करतूत पर कर सकते हैं हमला। दुशांबे में एस जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। अफगान संकट के बाद पहली बार आमने सामने होंगे मोदी, जिनपिंग और इमरान। क्या होगी बात? शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 एससीओ सम्मेलन में। ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक कुछ देर बाद दुशांबे में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की इस बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का संबोधन 11 बजे से 1:30 बजे के बीच कभी भी हो सकता है। एससीओ सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी सीधे तौर पर तालिबान का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि पीएम पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलेंगे। पाकिस्तानी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठनों को दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता सकते हैं। इसके अलावा पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले का मुद्दा भी पीएम उठा सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान एससीओ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दुशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में तालिबान, अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 8 स्थायी देश हैं। दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान बीते 2 दशकों में हुए कामों की समीक्षा होने के आसार हैं। दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, हमने बॉर्डर एरिया में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा की। क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए इस संबंध में प्रगति आवश्यक है, जो दोनों देशों के संबंधों के विकास का आधार है। अफगानिस्तान संकट के बाद पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और ये नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। ये सबसे बड़े अंतरक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके एजेंडे में एससीओ शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान का एजेंडा सबसे ऊपर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के अपने समकक्षों को संबोधित करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एससीओ की शिखर बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति एवं अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए दुशांबे पहुँच गए हैं। एससीओ इस वर्ष अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन खास होगा। इस दौरान पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग की संभावना पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आतंकी साजिश के खुलासे से सुरक्षा बलों की नींद उड़ी। कहां-कहां फैले थे आतंकवादियों के तार? इकोनॉमिक टेररिज्म की साजिश क्या थी?
हंदवाड़ा विस्फोट का गुनहगार कौन है, आतंकी साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के देखते हैं टॉप 9 टेरर टारगेट। देश को दहलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों के खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिशान ने बताया है कि ग्वादर पोर्ट पर आतंकी ट्रेनिंग के दौरान आईएसआई ने जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया। उन्हें मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो भी दिखाए। आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान वीडियो दिखाकर भड़काती है। सूत्रों के मुताबिक जिशान ने बताया कि भारत में दंगों के दौरान विशेष समुदाय की महिलाओं पर अत्याचार होता है और विशेष समुदाय के लोगों का सरेआम कत्ल किया जाता है। जिशान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया वो 1993 की तर्ज पर धमाके करने की फिराक में थे। उनके निशाने पर पुल और रेल की पटरियां भी थीं। दंगों के दौरान फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम और दुकानें जलाने के भी निर्देश दिए गए थे ताकि आर्थिक नुकसान ज्यादा हो सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिशान ने खुलासा किया है कि आईएसआई इकोनॉमिक टेररिज्म को अंजाम देना चाहती थी। उसकी नज़र ट्रेन के जरिए होने वाले कॉटन व्यापार को डैमेज करने की थी। वो कॉटन से भरी बोगियों को धमाके से जलाना चाहते थे। आतंकी जान मोहम्मद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और आईएसआई के सीधे संपर्क में था। मस्कट में आईएसआई ने लोगों को सैलरी पर रखा था। वे ट्रेनिंग के लिए आतंकियों को मस्कट से पानी के रास्ते पाकिस्तान ले जाते थे। पूछताछ में जान मोहम्मद ने कबूल किया है कि वो जबरन उगाही के लिए गोवा गुटखा कारोबारी के यहाँ भी धमाका कर चुका है और एक अनवर नाम के कारोबारी की हत्या भी कर चुका है। महाराष्ट्र एटीएस ने जान मोहम्मद से कल करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। पंजाब के जलालाबाद में बाइक में हुए धमाके का सीसीटीवी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक बाइक सड़क पर गुजर रही है और अचानक ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है। बुधवार शाम पंजाब नेशनल बैंक के पास ये धमाका हुआ था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच में जुटी है। आतंकियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पंजाब में हाई अलर्ट है। संवेदनशील पठानकोट और गुरदासपुर जिलों की कड़ी चौकसी की जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगने वाली जिलों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के हंदवाड़ा में हुए विस्फोट में एक लड़की की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये विस्फोट खोल और हथगोले के रखे हुए स्क्रैप सामग्री में हुआ था जो उनके ही घर में रखी हुई थी। मामले की जांच की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को राजस्थान के झुंझुनू से हिरासत में लिया गया है। आरोपी युवक की गैस एजेंसी है और वह आर्मी कैंपस में गैस सप्लाई का काम करता है। उसने आर्मी कैंपस की गोपनीय सूचना और फोटो आईएसआई को भेजी है। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आरोपी को नरहर क्षेत्र से पकड़ा है। आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म, बीजेपी का क्या खास प्लान है, जीएसटी परिषद की बैठक क्यों हो रही है, उसमें क्या कुछ खास है, यूपी में 2 दिनों के लिए क्यों बंद किए गए स्कूल और कॉलेज, विराट कोहली ने टी20 कप्तानी छोड़ने का क्यों ऐलान किया, राष्ट्र की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान शुरू कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी समेत देश भर में पीएम के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि उसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। पार्टी नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि पंजाबियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। किसान शांति से हमारी आवाज़ उठाना चाहते हैं और हमें रोका नहीं जाएगा। आज जीएसटी परिषद की बैठक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक लखनऊ में होगी। इस बैठक में सीएनजी समेत प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और कुछ दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कैबिनेट बदल दी गई है। कल भूपेंद्र पटेल की 24 सदस्यीय कैबिनेट ने शपथ ली। इसमें रूपाणी कैबिनेट का एक भी मंत्री शामिल नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सभी मंत्रियों को बधाई दी। जल्द ही आपकी गाड़ियों के हॉर्न और सायरन में तबला और हारमोनियम की आवाज़ सुनाई देगी। राजस्थान के दौसा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जल्द ही गाड़ियों में हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों जैसे तबला, हारमोनियम, बांसुरी और बिगुल जैसे स्वर सुनाई देंगे। उनका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। यूपी में भारी बारिश को देखते हुए योगी सरकार ने आज और कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राज्य के 40 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है और बारिश से हुए हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुंकार भरी है। कहा, देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये बयान ममता ने हिंदी भाषियों को लेकर की गई एक प्राइवेट मीटिंग में कहा है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच वे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी जा रही हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग ने कल फिर जांच पड़ताल की। बुधवार को भी इनकम टैक्स के अफसरों ने देर रात तक उनके 6 ठिकानों पर सर्वे किया था। सोनू सूद के खिलाफ इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर विरोधियों ने सरकार पर हमला बोला है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अपने पद से हटने का फैसला किया है। कोहली ने कहा कि वो बल्लेबाजी पर अपना ध्यान फोकस करना चाहते हैं। BCCI ने इसे कोहली का निजी फैसला कहा है। आज क्यों टूटेंगे देश भर में वैक्सीनेशन के सारे पिछले रिकॉर्ड? स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से क्या कुछ अपील की? क्या वजह है कि केरल से कोरोना जाता नहीं है? और दिल्ली में क्या कोरोना खतरा वाकई में टल गया है? जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 महामारी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज बनेगा वैक्सीनेशन का अनोखा रिकॉर्ड। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें जुट गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लोगों से टीका लगवाकर पीएम मोदी को उपहार देने की अपील की है। भारत में 27 अगस्त को 1.3 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई थी, लेकिन आज वैक्सीन का ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 77 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार शाम को 7 बजे तक 57,11,488 खुराक दी जा चुकी थी। 58 करोड़ लोगों को एक डोज और लगभग 19 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इस प्रकार देखें तो देश की 20% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 62% को एक डोज लगी है। उत्तर प्रदेश में 50% लोगों को टीका कवर मिल गया है। यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु की कुल आबादी करीब 15 करोड़ है। गुरुवार दोपहर तक 7 करोड़ 50 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1,54,00,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 9 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश में गुरुवार को 34,640 नए केस दर्ज किए गए। हालांकि इस दौरान लगभग 38,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 318 मरीजों ने देश में कोरोना से दम तोड़ा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में अभी भी 3,32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल, मिजोरम, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हालात अभी अलार्मिंग मोड पर हैं। देश में रिपोर्ट हो रहे कोरोना के कुल मामलों में सबसे ज्यादा केरल में आ रहे हैं। केरल में गुरुवार को फिर 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 178 मरीजों की मौत हो गई, जबकि बुधवार को महज 17,000 केस आए थे। केरल में एक्टिव केस अभी भी 1,86,000 से ज्यादा हैं। यहां अब तक 23,165 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल के बाद जिस राज्य की हालत सबसे ज्यादा खराब है वो है महाराष्ट्र। यहाँ एक दिन में 3,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे नंबर पर आंध्र। 24 घंटे में तमिलनाडु में लगभग 1,700 केस और आंध्र में 1,300 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 28 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई। वहीं पर्यटकीय राज्य हिमाचल में 24 घंटे में 127 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों ने दम तोड़ा है। हिमाचल में अभी भी 1,500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। मतलब साफ है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अभी भी खतरा टला नहीं है। चीन ने 1 अरब लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का दावा किया है। चीन ने अपने देश की 71% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। गुरुवार को चीन की ओर से जारी सरकारी आंकड़ों में ये दावा किया गया है। चीन एक बार फिर से कोरोना महामारी के फैलने से परेशान है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी प्रांत में कोविड-19 ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एक शख्स जिसने विदेश दौरे के बाद 21 दिनों का क्वारंटाइन भी पूरा कर लिया था, लेकिन अब उसकी वजह से ही देश में फिर से महामारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।